नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। गणपति विसर्जन की पोस्ट को लेकर ट्रोल हुए शाहरुख खान, ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट और टीका लगाए आए नजर। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की इस गणपति स्पेशल सेल्फी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर पर अब तक 13 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वहीं कुछ लोगों ने शाहरुख खान को टीका लगाने पर और गणपति विसर्जन पर पोस्ट डालने पर ट्रोल तक कर डाला है। आइए बताते हैं क्या है पूरी खबर। इन दिनों पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। कोरोना ने इसे मनाने का तरीका जरूर बदल दिया है, पर लोगों की उमंग कम नहीं हुई है। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड ने बप्पा का दिल खोल के स्वागत किया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की, जिन्होंने अपने घर गणपति की मूर्ति स्थापना की और पूरी श्रद्धा पूजा पाठ के साथ उनका विसर्जन भी कर दिया। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर किया है, जिसमे उनके माथे पर टीका नजर आ रहा है। शाहरुख खान ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि प्रार्थना और विसर्जन हो गया। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश आप पर और आपके प्रियजनों पर कृपा बरसाएं, आशीर्वाद और खुशियां, गणपति बाप्पा मोरिया। अपनी इस पोस्ट को लेकर शाहरुख खान सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गए हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को अपनी गणपति विसर्जन की पोस्ट के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है। जी हाँ, ट्रोल्स का कहना है कि शाहरुख खान मुसलमान होते हुए भी हिंदू के त्यौहार क्यों मना रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने ट्रोल्स के नफरत भरे मैसेज का जवाब भी लिखा है। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि शाहरुख खान ने गौरी से शादी की है, जो एक हिंदू है, और उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम आर्यन, सुहाना और ब्राह्म तीनों धर्मों के कायदे से पाला है। गणेश चतुर्थी के साथ ही शाहरुख खान और उनका परिवार दिवाली, ईद और होली को भी इसी तरीके से मनाता है। लेकिन शाहरुख खान ने जैसे ही अपनी टीका लगी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, सोशल मीडिया पर उन्हें तेजी से ट्रोल किया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की पोस्ट पर उनके फैंस के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी रिएक्शंस दिए हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की टीका लगी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने गणपति विसर्जन की वजह से सोशल मीडिया पर शेयर करी और अपने दोस्तों को, अपने फैंस को गणपति विसर्जन की बधाई भी दी। लेकिन इसके साथ ही उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ गया। आप भी देखिए शाहरुख खान की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जिसमें वो टीका लगाए काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसके बाद उनको इतने तेजी से ट्रोल किया जाने लगा कि समझ ही नहीं आ रहा था कि शाहरुख खान को किस बात पर ट्रोल किया जा रहा है। आपको शाहरुख खान की ये टीका लगी फोटो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।